फर्स्ट एप्लीकेशन 439 द एलेज ऑफेंस अंडर सेक्शन 305 ऑफ आईपीसी 22/9/22 से कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन पूरी होकर चालान पेश हो गया है। और सर जो अबेटमेंट और 305 और 306 के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं और सारी चीज़ें हैं वो आइटम नंबर 1 पर सर काउंसिल ने काफ़ी एट लेंथ डेमोस्ट्रेट किया है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। सर एज पर द प्रोसिक्यूशन केस द डिसीज कमिटेड सुसाइड बाय हैंगिंग सर ऑन बाईस नौ 2022 को मिडनाइट 3 PM पर, रात को 3 बजे उसने 3 AM पर सॉरी की कमिटेड सुसाइड। देयर आफ्टर योर लॉर्डशिप उसके मोबाइल से एक स्टेटस रिकवर किया पुलिस ने, उसका एक स्टेटस देखा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेटस ये इन्होंने सर तुमने भी पेश किया और चार्जशीट का भी पार्ट है वो, उसके बेसिस पर इन्होंने सर ये प्रेजेंट एप्लीकेंट को प्रोसिक्यूट किया है। उसमें मैं पढ़ देता हूँ, ये 5:06 पर देखा गया है और ये उसके 14 मिनट पहले डाला गया है ये स्टेटस डिसीज के द्वारा। मैं सुसाइड करती हूँ और उसमें मेरे घर वाला का कोई दोष नहीं, एक प्रताप नाम का लड़का मेरे को परेशान करता था तो मैं अब जिंदा नहीं चाहती और मेरे मरने के बाद उसे सजा दिलवाना क्योंकि उसने मुझे चैन से जीने नहीं देता था। दिस इज द एलिगेशन प्रायर टू दी दिस इंसिडेंट, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट अगेंस्ट द प्रेजेंट एप्लीकेंट, एक भी ना तो प्रोसिक्यूटिक्स ने डिसीज ने करी है ना उसके घर वालों ने करी है। उनके सर 164 के बयान भी हुए हैं और उसके अलावा भी बयान हुए हैं। मैं फादर का पढ़ देता हूँ सर, 164 का बयान पढ़ देता हूँ। ये 28/10 को हुआ है, लगभग 1 महीने बाद। मैं उदयपुर राजस्थान में कैटरिंग का काम करता हूँ। हम 3 भाई बहन हैं जिसमें मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरी छोटी बहन का नाम हिना है, सबसे छोटी बहन का नाम चांदनी था। घटना दिनांक 22/9 की रात की है। दिनांक 21/9/22 को मैं मेरे माता पिता हिना एवं चांदनी खाना खा के सो गए थे। मैं घर के पीछे वाले कमरे में सो रहा था। रात में करीब 3 बजे मेरी माता दी टाइम इज दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रात को 3 बजे मेरी माता पानी पीने के लिए उठी, तब मेरी माता ने जोर के चिल्लाने की आवाज आई जिसमें मेरी नींद खुल गई और मैं किचन में गया। तब मैंने देखा कि मेरी बहन चांदनी किचन में पंखे से दुपट्टे से गले में फांसी बांधकर लटकी हुई। हमने चांदनी को उतारा, फिर 108 पर फोन लगाया। 108 से हम लोग चांदनी को तराना लेके गए। तराना अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टरों ने हमें घटिया थाने जाने को कहा। तब हम किराए की गाड़ी लेकर चांदनी को लेकर घटिया आए थे जहां हमने घटना की रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट के बाद चांदनी को घटिया अस्पताल ले गए थे जहां हमने उसका शव परीक्षण वगैरह कराया था। प्रताप पिता सेकंड पैरा में इसके बाद प्रताप पिता बने सिंह चांदनी के साथ स्कूल में पढ़ता था। चांदनी उज्जैन में कोचिंग जाती थी, तब प्रताप उसका पीछा करता था। उससे कहता था कि वो प्रेम करता है और शादी करना चाहता है। प्रताप चांदनी को पीछा करके और फोन करके प्रताड़ित करता था। हमको इसके बारे में पता चलने पर हमने उसके घर जाकर और घर वालों को समझाया था, परंतु फिर भी उसने उसको प्रताड़ित करना बंद नहीं किया। प्रताप चांदनी को प्रताड़ित करता था। चांदनी ने अपने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या का स्टेटस डाला था जो मुझे मेरी भाभी मुस्कान ने व्हाट्सएप पर भेजा था। उस स्टेटस में चांदनी ने यह डाला था कि मेरी भाभी लिखा था कि आत्महत्या कर रही, जिसमें घर वालों को कोई दोष नहीं, एक प्रताप नाम का लड़का उसे परेशान करता, इसलिए अब वो जीना नहीं चाहती। अपॉन दैट द प्रेजेंट एप्लीकेंट इज इम्प्लिकेटेड एंड अरेस्टेड बाय द पुलिस। सर टाइम जो है 164 का स्टेटमेंट जो 1 माह बाद इसका दर्ज हुआ उसमें ये स्वयं बता रहे कि रात को 3 बजे मर चुकी थी वो। सर स्टेटस जो उसका डला है, वो जो सबसे पहली बार इसकी जो डिसीज की बहन ने देखा है मुस्कान ने, वो देखा है सर 5:06 पर सुबह, और वो डला है सर उसके 14 मिनट पहले। वो सारी चीज रहती है, दैट इज ऑन रिकॉर्ड। ये चार्जशीट का पार्ट भी है और मेरे लर्नेड फ्रेंड ने अपनी आपत्ति के साथ भी पेश किया सर। अगर अपन उसके बावजूद भी इस सुसाइड नोट को मान ले तब भी सर 107 के और अबेटमेंट के इंग्रीडियंट नहीं बनते क्योंकि प्रायर की कोई किसी प्रकार की कंप्लेंट नहीं है। मान भी ले कि अब वो उसको फॉलो करता था, पीछा करता था, उसकी रिपोर्ट लिखाते, सुसाइड इज द लास्ट थिंग, मतलब ऐसा क्या परेशान कर दिया था उसने कि वो सुसाइड कर लिया। मेरा डिफेंस सर इसमें ये है कि ये दोनों सर अच्छे दोस्त थे, उससे घर वाले जो है उनको आपत्ति थी, उस कारण उसने सुसाइड किया। जब वो मर गई पुलिस को इन्होंने हाथों हाथ भी सूचना नहीं दी है, 1.5-2 घंटे बाद सूचना दी है, और ये स्टेटस सर पूरा फैब्रिकेट करके 2 घंटे उसकी मृत्यु के 2 घंटे बाद डाला गया है। वो ऑन रिकॉर्ड है सर, उसमें टाइम भी लिखा हुआ है और कितनी देर पहले डाला उसने वो भी डाला। कोई मृत्यु के बाद तो कोई स्टेटस डालेगा नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई डेथ के बाद स्टेटस डालेगा। तो माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इज दैट कि पूरा फॉल्स इम्प्लीकेशन का केस है सर ये, और इन्वेस्टिगेशन होकर चालान पेश हो गया है। एज पर माई बेस्ट ऑफ नॉलेज इसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है। ये 19 साल का सर एक लड़का है।
मजा। और फिर बास्केटबॉल मैंने ये क्या होगा बट आप सुसाइड ऑफ चाइल्ड इनसाइड टू पर्सन इफ दे एनी पर्सन ऑफ अंडर ऑफ 18 इयर्स एगो देयरफॉर इंस्टेंट पर्सन ऑफ डिलीवर्ड टू पर्सन इज आइडेंटिकल और द एनी पर्सन ऑफ दिस स्टेट इन फिगो द कमिट ऑफ द सुसाइड हु हैव द अबेटमेंट ऑफ कमिटेड सच सुसाइड शैल बी पनिशेबल विद द डेट इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ मतलब डेथ मतलब इट इज द इन पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन देयरफॉर लायबल आर नॉट लायबल इट इज द एविडेंस ऑफ दिस मतलब सुसाइड नोट एट द मोबाइल एंड देयरफॉर द मतलब इज ऑल रिलेटिव statement also been mallet against to it mallet and mallet it is on my learned friend no any criminal record but man one criminal record also been mallet stated at mallet in this diary so mallet fit not for fit for bail